बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नवान कयूम। तुसी देखदे पए हो गंदारा हिंको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, ऑफशोर कंपनी ते आमदन से ज्यादा असासियां दे इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान नूं रिमांड लैने वास्ते अज एहतसाब अदालत पेश किया जा सी। नैब लाहौर ने गुज़श्ता रोज़ अलीम खान नूं ऑफशोर कंपनी स्कैंडल ते आमदन से ज्यादा असासियां दी तफ्तीश वास्ते तलब किया आया, जिस वास्ते नैब दे दफ्तर पहुंचे जिथे उन्होंने हिरासत लै लिता गया। गिरफ्तारी के बाद अलीम खान ने सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात की वजारत से इस्तीफा भी दे दिया है। साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने अस्पताल मुंतकली से इनकार करते हुए जेल भेजने की दरख्वास्त कर दी थी। जराए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने PICC मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने सर्विस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जेल भिजवाने की दरख्वास्त की है। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। भारतीय फौज ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारियों की मदद नाल मकबूजा कश्मीर के जिला पलवामा च सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी नौजवान इरफान अहमद शेख को गोली मार के शहीद कर दिया। कौमी वैमेंस टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ के जख्मी होने की वजह नाल ICC वैमेंस चैंपियनशिप सीरीज के पहले मैच टीम की कयादत जवेरिया खान के सपुर्द कर दी गई। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग के दौरान बिस्मा मारूफ कैच पकड़ते हुए साथी फील्डर नाल टकरा गई आईया ते गेंद इन्हां दे जबड़े ते लगी गई। बिस्मा नूं स्ट्रेचर ते मैदान सी बाहर ले जाने के बाद अस्पताल पहुंचा दिता गया आया, जिस दे बाद टीम की कयादत जवेरिया खान के सपुर्द कर दी गई। पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच जनूबी अफ्रीका 27 रनों नाल हरा दिता ते त्रै मैचों की सीरीज वाइट वाश नूं टाल दिता। सीरीज के तीसरे ते आखिरी T20 मैच पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका नूं जीत वसे 169 रन का हदफ दिता आया। शमाउन अब्बासी की डायरेक्शन बनने वाली फिल्म दुर्ज द कैसकेट के ट्रेलर ने धूम मचा दी थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पहली बारी एक आदमखोर इंसान की जिंदगी ते बनाई गई फिल्म दुर्ज ने ट्रेलर ने ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्क वसने वाले फिल्मी शायकीन भी हैरान कर दिता है। फिल्म रवान साल रिलीज की जासी, शमाउन अब्बासी आप ही आदमखोर का किरदार अदा करते पे। ताजा लाश है इसलिए खोद रहा हूं। पाकिस्तान के मारूफ सूफी गुलकार अताउल्ला खान हिसाखेलवी की धी लारैब अता अमरीका जारी दुनिया के सबसे बड़े विजुअल इफेक्ट सोसायटी अवार्ड वसे नामजद हो गई। हूँ लारैब अता पहली पाकिस्तानी हूँ जिन्होंने इस अवार्ड वसे नामजद किया गया है। हिनको जुबान का असली रस्मुलखत हूँ यूनिकोड भी दस्तियाब है। हिनको जुबान हूँ जदीद दौर के तकाजियों के मुताबिक इन पेज से यूनिकोड भी दस्तियाब हो सी ते हर आदमी बड़ी आसानी नाल हिनको जुबान का असली रस्मुलखत यूनिकोड इस्तेमाल कर सकसी। गंदारा हिनको अकैडमी ने इस हवाले नाल अपनी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिता है ते इस वक्त हिनको जुबान के सूफी शायर अहमद अली साई की किताब यूनिकोड तैयार की जानी पई है। मौसम बहार की आमद की खुशी जिना कॉलेज बराए खवातीन स्प्रिंग गाला का इवेंट का इनकार किया गया। इस इवेंट गंदारे इनको अकैडमी ने शमूलियत करते हुए स्टॉल ते गंदारे इनको अकैडमी के तहत चपड़े वाली किताबा मैगजीन रसाइलो जराइद अखबार कैलीग्राफी के नमूने ते पिशोर की नादिर और तारीखी तस्वीर की नुमाइश की। इस मौके पर खवातीन की वही तादाद ने गंदारे इनको अकैडमी के तहत छपड़े वाली किताबा ते मैगजीन दिलचस्पी का इजहार किया। गंदारे इनको अकैडमी के तहत छपड़े वाले कुरान मजीद के मंजूम तर्जुमे की एंड्रॉयड ऐप के मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस सिलसिले कुरान पाक वसे मंजूम तर्जुमे की यूनिकोड कंपोजिंग का कम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले कुरान पाक के मंजूम तर्जुमे का यूनिकोड ते वर्ड कम शुरू कर दिया गया है। इस खबर खत्म हुई, नवी खबर हाजिर होसियाँ। अल्लाह हाफिज़।